चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर गोरखपुर से हमें मिल रही है। मतदान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, हम 80% से अधिक सीटें जीतेंगे, ये दावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और मतदान करने के बाद उन्होंने ये दावा किया है, उनका ये बयान आया है। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है, यानी कि बीजेपी की जीत का दावा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते आए हैं और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीत रही है। मतदान को लेकर जनता में काफी उत्साह है, सुशासन की स्थापना के लिए मतदान करें, 300 के लक्ष्य को बीजेपी प्राप्त करेगी, सातवें चरण में बीजेपी और बढ़त बनाएगी, सीएम योगी ने जनता से अपील की है, कहा सभी मतदाता मतदान जरूर करें। सीएम योगी ने मतदान किया, सबसे पहले वोट डालने पहुंचे और मतदान किया और उसके बाद उन्होंने जो है कहा कि हम 80% से अधिक सीटें जीतेंगे, 300 के लक्ष्य को बीजेपी प्राप्त करेगी, जो लक्ष्य रखा गया है उसको बीजेपी हासिल करेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। उत्तर प्रदेश सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खास तौर पर माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। और मेरी भी जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6ठे चरण में आज मतदान हो रहा है, तो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए, जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा भी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामान्य निर्वाचन में बड़े उत्साह के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है और आज 6ठे चरण का मतदान है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है और आज 6ठे चरण का जो चुनाव है इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। उत्तर प्रदेश चलिए तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने विकास के कार्यों की बात कही है और विकास के नाम पर ही जनता वोट कर रही है और बीजेपी जीतेगी, सुशासन की बात भी करते नजर आए हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशफाक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, जीत का दावा करते नजर आए हैं और तमाम मुद्दों की बात यहाँ पर उन्होंने की है, महिलाओं पर भी फोकस करते नजर आए, महिलाओं को लेकर सुशासन की और जो है तमाम तरह की बातें यहाँ पर कही हैं।
हाँ बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह में अपना वोट डाला और उसके बाद जब वोटिंग करने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि करीब 300 के आसपास बीजेपी सीटें जीत रही है और 80% जो है, जो अभी इस छठे चरण का, इसमें 80% सीट बीजेपी को मिल रही है। सातवें चरण जो आखिरी चरण होना है पूर्वांचल की बची हुई सीटों पर, उनमें भी उनका दावा यह है कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि अगर सुशासन चाहिए, माफिया राज से मुक्ति चाहिए तो बीजेपी को वोट करना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है चुनाव प्रचार में डटे रहे हैं, लगातार वो जनता से रूबरू होते रहे हैं और यही वजह है कि वो जीत के दावे कर रहे हैं। अब ये दावे का कितना निकलता है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो है आज काफी जो है कॉन्फिडेंट नजर आए और कहीं ना कहीं जो है गोरखपुर में जो लड़ाई कही जा रही थी उनके खिलाफ, जो है सुभावती शुक्ला जो की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, कहा जा रहा था कि कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, उसको लेकर वो आश्वास दिखे कि उनकी जीत जो है सुनिश्चित है। जी बिल्कुल अशफाक, लेकिन जिस प्रकार से जो है यहाँ पर कितनी चुनौती आप बीजेपी के लिए देखते हैं, अगर गोरखपुर की बात की जाए, सीएम योगी की बात की जाए, क्या सपा की तरफ से कड़ी चुनौती देखते हैं क्या? देखिए गोरखपुर का चुनाव परिणाम अगर 2017 में आप देखें तो 9 सीटों में 8 सीट बीजेपी को मिली थी और 1 सीट बीएसपी के जो है विनय शंकर तिवारी, जो कि हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, उनको मिली थी। अब 2022 के चुनाव को देखें तो जो राजनीतिक परिदृश्य वो बदला हुआ है। विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार वहां सपा में शामिल है और एक जो माहौल बनाया गया था कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की वो ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है, उसका सबसे ज्यादा अगर कहीं असर देखने को मिल रहा था तो गोरखपुर मंडल में देखने को मिल रहा था, बस्ती मंडल में देखने को मिल रहा था। इन दोनों मंडलों में 41 सीट है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ जो ब्राह्मणों की आबादी है वो करीब 20% के आसपास है। अब ये देखना है, ब्राह्मण जो है पूर वोट रहा है बीजेपी का और इस चुनाव में पहली बार कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के बयान आए हैं और सरकार पर इस तरह के आरोप लगे हैं, बीजेपी पर आरोप लगे हैं, तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस चुनाव में पूर वोट बीजेपी अपना बचा पाती है, समाजवादी पार्टी इसमें सेंध लगाती है। तो कहीं ना कहीं गलित जो है दोनों तरफ से दावे हैं और जो कई ब्राह्मण नेता जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, रितेश पांडे जो है, जो कि राकेश पांडे के, रितेश पांडे जो सांसद हैं अंबेडकर नगर के, उनके पिता राकेश पांडे भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है माहौल सपा ने जरूर बनाया है, लेकिन इसका असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ब्राह्मण के बारे में कहा यह जाता है कि वो हमेशा जो है बहुत सोच समझ के वोट देता है और ये कहा जाता है कि वह बीजेपी में उनका वोट ज्यादा अब तक जाता रहा है। यही वजह है कि जो है कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार जो है गोरखपुर में अगर देखा जाए तो उसे बड़ी सफलता मिलेगी। जी अशफाक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सेंधमारी करने की कोशिश तो यहाँ पर की गई है सपा की तरफ से, लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी ने भी जीत का दावा किया है। देखने वाली बात होगी कि कौन जो है जीतता है, क्योंकि जीत के दावे तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, समीकरण सभी ने बिठाए हैं और इस बार दल बदल भी काफ़ी कुछ देखने को मिला है। तो समीकरण काफ़ी कुछ जो है दर उदर हुए हैं, लेकिन 10 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा सभी को कि 10 तारीख को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है। तो सभी इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे नेता हों या फिर आम जनता।